एंड वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन क्या हाल है आप सबके आई होप यू आर वेल एंड हम आपके कॉमेंट्स पढ़ते रहते हैं बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग देख रहे हैं और अच्छी अच्छी बातें लिख रहे हैं हमें बड़ा अच्छा लगता है लिखते रहिएगा एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड और uh, जो बुरी बातें लिखते हैं उनको वो क्या? अपने तक रखें अच्छा आ, हाँ, हाँ, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता हाँ,

अभी हमने बहुत आगे जाना है बट uh, आज हम बात करेंगे क्रिकेट पे। hmm. and unfortunately, मेरे साथ दो ऐसे लोग बैठे हैं जो इस uh, फील्ड को लेके बिल्कुल मिलने <laughs> हैं मतलब बिल्कुल नहीं अच्छा मतलब माजरत, माजरत ना आप hmm. मतलब खेलने में हाँ आप बोल सकते हैं मैं आपके साथ खेल चुका हूँ बट नॉट दैट गुड बट बट ये आई मीन थोड़ी बहुत नॉलेज है नॉलेज मच आई थिंक

मंगक्स द वेरियस प्लेजर्स इन लाइफ मेरे लिए क्रिकेट इज वन ऑफ द बिगेस्ट इट इज़ अ बिग सोर्स ऑफ हैप्पीनेस फॉर मी क्रिकेट खेलना देखना ये सारी चीजें uh, तो मतलब ये वो लड़के जो ऐसे जल्दे जल्दे बस यूँ अन आइरोनिकली नहीं करता मैं अब करता हूँ क्योंकि एक एक मतलब यू नो वियर्ड कॉमेडी ऐसा है इसका बट मैंने ये नहीं किया कि बचपन में बातें चल रही और घरा क्या चल रहा है आपका है सच से खास लेना देना नहीं, नहीं है बस तो है या कभी नहीं नहीं जैसे बचपन में बहुत देखते थे पूरी फैमिली बैठती थी हम लोग ये क्रिकेट देख रहे हैं और ये वो लेकिन फिर जैसे जैसे बड़ी होती गई मेरा इंटरेस्ट खत्म होता गया मेरे दोनों भाई देखते हैं बहुत ज्यादा जब पाकिस्तान हारते तो रोते भी हैं लेकिन मैं अच्छा रोते भी हैं ना रोते भी हैं और निव्यान तो खेलता है ना इधर मोइन खान जाता था वो सीखने अब लोग वॉर चला गया निव्यान इंटरेस्टिंग बचपन ने प्रिंस

तकलीफ़ दे तो नहीं है अब नहीं पसंद तो नहीं पसंद। <laughs> लेकिन तो बोलते, ना बोलते वो तुम तुमने नहीं देखा तुमने नहीं देखा और बड़ा लेफ्ट आउट भी मैं फील करती हूँ ना तो फिर क्योंकि इतने सारे लोग बैठ कर डिस्कस करे वो तुमने देखा वो बाबर आजम ने कैसा सीन ये वो मैं बैठी हुई होती हूँ चुप मतलब मुझे वैसे ही बोलने का इतना शौक है तो मौका नहीं मिलता ना मुझे कुछ बोलने का हाईलाइट में भी मुझे कुछ समझ नहीं आता है कि मैं तो हाँ ने होता। यार बहुत अच्छा सीन पीछे हाँ हाँ तो हाँ <laughs> <हां, हां>, <laughs> ये एक ऐसा मौजूद जो आपको खामोश करा रहा है

कोई क्रिकेट खेल रहे हो तो बचपन में खेली जाती थी आ, I was not, never that good. मैं वो बच्चा था वो जैक वाला बच्चा नहीं होता जो को फिट कर लेंगे जो है ना दोनों बैटिंग किया मुश्किल से एक बैट मिलती थी और बॉलिंग तो बोली जाओ और फील्डिंग दोनों तरफ तो वो वाला बच्चा था मैं

करप्शन 92, 92, नहीं नहीं, थोड़ी हुई थी पता नहीं क्या, क्या हुआ था ना? उसमें घर में बहुत सारे लोग रोए थे और फिर कॉन्ट्रोवर्सियाँ जनी थी तो उसके बाद आई थिंक फिर हम कैनेडा शिफ्ट हो गए फिर नाइन्टी नाइन के बाद आई स्टॉप वॉचिंग क्रिकेट उससे पहले मैंने सहारा कप अगर आपने याद हो एक होता था सहारा कप ये शारजा में होता था तो वहाँ पे हम गए थे फैमिली लाइव तो देखा है कनाडा में भी मैच हुआ था कोई तो उसमें भी पाकिस्तान इंडिया हमने देखा पाकिस्तान जीता था उसमें सो ऐसी चीज़ें मेमोरीज हैं मेरी और फिर अब अब जाके अब ये कि ओबी थोड़ा को दोस्त है जैसे एक दोस्त है उनकी टीम है तो कराची तो फिर उनके मैचेस देखे हैं और काम के सिलसिले में दुबई जाना मिला और डीएफआर वीएसएल फलाना ये थी थी गौरा गौरा चले। सारी चीजें देखी हैं तो उसके हिसाब से थोड़ा आप वापस इन डच हो गए एंड ग्लैड हैविंग फ्रेंड्स लाइक यू वॉच क्रिकेट तो फिर थोड़ा बंदा कहता है चलो देखने में मजा आता है दोस्तों के साथ अच्छा आपको इतना जैसे ये फॉर एग्जांपल मोस्ट प्रोबब्ली एशिया कप में फाइनल होगा पाकिस्तान इंडिया स्क्रीण? का स्क्रीनिंग वगैरह में भी जाने का शौक नहीं है नहीं नहीं अच्छा, अच्छा। कोई ऐसा शौक नहीं है मुझे मतलब क्रिकेट रिलेटेड मुझे कुछ भी मुझे फैसिनेटिंग नहीं लगता तो मैं इसलिए देखती बट आई थिंक स्पोर्ट्स इन जनरली अच्छा हाँ मैं आई एम नॉट लाइक कनेक्टेड टू स्पोर्ट्स तो, तो बहुत तो आप नहीं 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 बहुत को। जैसे आप लोग क्रिकेट खेलते हो ना बचपन से खेलते तो, आगे आगे तो आप शौक भी है देखने का अब यू फुटबॉल खेलता है तो वो फुटबॉल देखता भी है आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपका लिंक होता है स्पोर्ट्स से भी आई थिंक तो आपका फिजिकल एक्टिविटीज है लेडीज को पसंद नहीं होता स्पोर्ट्स तो ये टच सही है नहीं नहीं बहुत नहीं, सारी हैं जो मेरी मेरी अपनी फ्रेंड्स जो क्रिकेट की तरह देखती हैं और फुटबॉल फॉलो करती है मुझे कोई शौक नहीं, नहीं है कुछ ऐसा है मैं हाँ मुझे मौत का खेल दिखा दे मैं डॉक्यूमेंट्री देखती हूँ बैठ के सीरियल के तरह का हो सकता है मुझे बंद हो खुद खोद के अपने दो तीन ठंडा ये, ये भी ठीक है मेरी इस तरह की थॉट्स हो यूसुफ बच्चे। के उसको यूसुफोरी यूसुफ को <laughs> ये ज्यादा मर्डर होता है बिल्कुल आता है मारने वाले ज़्यादातर परसेंट ही होगा की अगर बल्ले से मारा लीस्ट सब सस्पेक्ट हाँ मुझे तो शौक ही नहीं है मुझे आता ना यार उसको शौक ही नहीं है

स्पेशली आई फील लाइक अगर आप अपार्टमेंट में रहते थे ग्रोइंग yes. तो उसका भी एक बड़ा yes. सीन था कि जो शाम की एक्टिविटी टाइम होता था स्पेशली वेन वी आर ग्रोइंग अप तो उस वक्त शायद मे भी सेफ्टी वगैरह का अम्मा अबा को इतना कंसर्न नहीं होता था कि जनरली इट वॉज सेफर तो वो वो मैंने क्रिकेट से एक मेरी जर्नी शुरू हुई फिर मेरे जो अबा हैं यूज टू बी एन एक्सट्रीमली गुड क्रिकेटर वो अपने स्कूल के कैप्टन थे वो अपनी यूनिवर्सिटी के कैप्टन थे इनफैक्ट वो जो मेडिकल कॉलेज गए थे हुँ. तो वो आई थिंक आई रिमेम्बर करेक्टली वो स्पोर्ट्स कोटा पे ही गए थे टू ढाका अच्छा। uh, oh, wow. तो uh, उनकी वजह से भी यू नो ग्रोइंग अप में देखता रहता था अब्बा देख रहे हैं तो एक वो बना मैं डैड टॉट मी हाउ टू बोल वो भी मेरे लिए बड़ा वो था तो इस वजह से आई थिंक मेरा इसके साथ वास्ता इतना पड़ा इमोशनल uh, वही मतलब जैसा प्रेवलेंस वाइल ग्रोइंग अराउंड और फिजिकली uh, जो है जिसामत में जो लंबाई है दैट लेंज इट सेल्फ वेरी वेल टू बी अ फास्ट बॉलर तो जब मेरी कंडीशन बेहतर थी मैं बॉल बड़ी तेज करा लेता था, था और ऑल ऑफ अस ग्रू अप बट आई ग्रू अप एट द टाइम ऑफ शोएब अख्तर एंड वसीम अकरम एंड वकार वकारयस तो वो एक ना हीरोज़ को लेके माइंड में चलता था कि यार शोएब अख्तर बनना है तो बड़ा मजा आता है। लैंगे नहीं नहीं लैंगे नहीं। उस टाइम पे आपको नजाकत की या होती। नुँ। नुँ। लुक। फिर गनी क्रिकेट के कुछ डायनेमिक्स बहुत बड़े मजे के एक पॉइंट पे जब आप आ जाए ना जब सेमी कंपेटेटिव चल रहा है तो उसमें पेप्सी मैचेस शुरू हो जाते थे वो था जो टीम हैं, है वो वो बोतल मिलाएगी आएगी हाँ, वो पैसे जमा करेगी हाँ. और वो बोतल मिलेगी और ये बहुत अट्रैक्टिव होता है हाँ. ना क्या 1.5 लीटर की बोतल ग्यारह लड़कों में चल रही है क्या ही मिल गया है आपको हाँ, हाँ, यही हाँ, चाहिए ना था ना वही लजा और ये तो एक ग्लास होता है अबे तू ज्यादा पी रहा बड़ा घूंट ले रहा मैंने चांद मिटे भी तो लिए ना, वही ना, 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 ना

कि हमारे यहाँ कंसिस्टेंटली वन बेसिकली फास्ट बॉलर 140 फोर्टी किलोमीटर्स पर आठ से ज्यादा अगर है तो अच्छी बात है हमारे जो शाइन शादा नसीम और हारिस हैं 140 प्लस तो हैं ही और 150 प्लस भी हैं इंडिया के 140 मैक्सिमम टच करते हैं यूजली जो आईपीएल बॉलर जो एक मजाक उड़ा दो वन ट्वेंटी फाइव से लेके 135 के दरमियान आई थिंक मे बी दैट्स अनदर रीजन एनी वे जो बॉल है टेप वाली बॉल उस पर बड़े इशूज आ जाते थे, थे. क्या आप जैसे बैटिंग कर रहे हैं मैंने बॉल कराई बॉल खेली नहीं गई गुल से वो अब अना का मसला बन गया वो कहेगा बॉल देखाओ बॉल देख के क्या ना? क्या के टेप फटा हुआ हुआ मोस्ट ऑफ द टाइम हो सकता है ना फटा हो लेकिन वो एक अना पे आ जाएगा फिर अगर टेप फटा इसका टेप फटा है, नहीं वो ठीक है हाँ।

वो आएगा वो टेप वो टाइट करके अच्छा उसके एक होता है टाइट ज्यादा भी नहीं करनी क्योंकि बॉल फिर टाइट अगर आपने ज्यादा कर दी तो जुमला आएगा अंडा बना दिया तो, <laughs> ये तो वही बैलेंस करके और फिर उसमें एक होती पहले आप वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कर करोगे फिर वर्ट कुछ जैसे मैंने बात बिल्कुल सही की एक एक ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ टेप टेंशन रखनी है ताकि हाँ। उसकी जो स्फेरिकल शेप है वो प्रिजर्व हो और वो इलिप्टिकल ना बन जाए अब हाँ, वो जब टेप फटता है तो ना बॉल स्विंग ज्यादा होता है वो खेला नहीं जाता तो वो बॉल खुद फाड़ते थे ताकि मेरी स्विंग हम हाँ। खेल रहे थे एक दफा एक ना अच्छा ये भी कॉन्सेप्ट होता है गलियों में कि बच्चे तो खेल ही रहे हैं लेकिन जैसे गार्ड चौकीदार ड्राइवर ये भी जब फ्री होंगे तो सब साथ मिल के खेलते थे अब हम जब खेल रहे थे मेरी यही गली में एक चौकीदार या ड्राइवर था किसी घर का वो भी खेलता था और बहुत अच्छी तेज़ बॉलिंग कराता था और उसकी स्विंग ऐसी हो रही थी बॉल बिल्कुल मतलब ना यूँ अंदर आओ बहुत ज़्यादा बिल्कुल आप लोग हाँ। नहीं पता होगा समझ लें अनवर अली की जो अंडर 19 वर्ल्ड कप में स्पेल थी वैसी

मे बी ऑन एमी कम्पटिटिव लेवल होते बट नॉर्मली चलो कि ये मेरा yeah. खैर yeah. वो ओपनर वो ही जाएगा और फिर ये होता था कि जैसे मेरे जैसे जैक अगर कोई होगा ना जो इतना अच्छा नहीं होगा उसको बोलेंगे अगर स्कोर हमारा ईजीली रीच कर लेंगे तो उसको अभी भेज दो क्योंकि ये बॉल बेस करेगा तो एक ओपनर के साथ एक हल्का बेच देते थे कि ये चलो ये एक मारेगा एक ही आउट हो गया तो ये भी साइंस पूरी स्ट्रेटजी बन दी थी ये तो मैच से बन दी थी और फिर है ना एंड में अच्छा ये भी डेफिनेटली होता था कि जो जिसका बैट और जिसका बॉल है उसकी भी एक अथॉरिटी होती है हाँ। क्योंकि भाई ये मेरा इक्विपमेंट है एनी टाइम मेरे साथ गेम हो मैं ले जाऊँगा और सबका उसको एक रिस्पेक्ट मिलती मिल थी क्योंकि वो मगरिब के अराउंड ना हाँ। वो मतलब वो उसका कुछ नहीं कहा जा सकता है एक बहुत अच्छी ना वो, कोई वो। <laughs> <नहीं>। <laughs> फिर तो मसलाई कोई होती है नया लेते हैं तो उसकी जो ग्रिप है वो रबड़ की आती है अब अमूमन जाहिर है अब ये स्ट्रीट क्रिकेट में बजट तो ज्यादा नहीं होते एक आधी कोई अमीर लड़का होता है जिसका अच्छा बैट होता है और वो कभी लेके नहीं आता हाँ। तो या तो पूल करके बंद लिया जाता है बैट या किसी ने अपने थोड़े बहुत तो जो बैट के ऊपर जो ग्रिप होती है ना वो होती है रबड़ की जो पिघल जाता है अब एक जाती रबड़ होता है जो वर्गनाइज रबड़ होता है वो पिघलता नहीं है ये रबड़ नॉर्मल वो पिघल जाता है या फट जाता है जब वो इवेंचुअली फट जाता है उसको फिर एक दिन फैसला लिया जाता है सबके साथ यार ग्रिप फाड़ दो

बैट या जो बैट था एक जमाने में वो भी दिया जाता है कि मतलब जो दूसरी तरफ रनिंग कर है उसको कुछ डंडी टाइप चाहिए ना अपनी टूटा हाँ। हुआ बैट दे देते थे क्रैक वाला बैट होगा वो बस रनिंग का बैट है उससे खेल नहीं सकते क्योंकि खेलेंगे वो टूट जाए दो तीन बुनियादी फर्क बड़े अच्छे बताए एक तो ये है कि अगर अच्छे बच्चे घरों की खेल रहे हैं तो सबके पास बैट होगा वो चेंज नहीं हो रहा मैट हाँ। अपना अपना सब सेलेक्ट करेंगे विकेट का भी है एक आ, अच्छी जगह पे विकेट एक प्रॉपर होगी तो एक स्टील का फ्रेम होता है या वुडन होता है वो दोनों एंड पे होगी एक कोई होती है जिसमें मेन एंड पे, पे होगी दूसरी एंड पे ईट वगैरह होगी या मेन पे कुर्सी होगी

अगर आप बैटिंग कर हाँ। और आपका है, तो आपको क्यों आउट देगा हाँ, तो ये, भी, ये भी एक मतलब अपना फील्डर तो नहीं सैक्रीफाइस हाँ, कर सकते हाँ। लिए। ना कोई एक लड़का आएगा जो सिर्फ अम्पायर हाँ। उसको हाँ। हाँ। अच्छा मुझे तो ये पता ही नहीं था कि अम्पायर भी होते हैं वहाट और ये अम्पायर अक्सर गेम उसके हाथ में होता है वो अपनी मर्जी से नो बॉल भी दे सकता है आउट है या नहीं है वो उसके ऊपर है और यूजुअली जो सबसे चीटर आता उसको अंपायर रखा गया था तो तो ताकि वो अंपायर नहीं होता नहीं नहीं अब इतना अम्मी बैठी सर्विस दी से जा सकती है एक थर्ड अम्पायर लड़ता रखा रख ट्रिपल ट्रिपल ब्रॉडकास्ट थर्ड अंपायर अच्छा ये जो गली के क्रिकेट में बड़े लड़के होते हैं उनके भी नखरे हैं ठीक है वो चाहते हैं कि कैप्टन भी वही हो ओपनिंग भी वो करें और पहला ओवर भी वही कि भाई तुमने बैटिंग कर ली पहला ओवर तुम नहीं कराओगे लेकिन बड़ा लड़का ये मान नहीं रहा <laughs> पर ये कि अब किसी के घर में वो भी एक जो मारेगा वो ही लेके आएगा अगर कोई कोई घर घर है अच्छा ऐसे होते जो बॉल हो हाँ। तो, तो फिर दूसरा ये आप ये तो हमने अभी भी खेल रहे थे तुम्हारे घर जो खेल रहे थे जो जो एक घर है जहाज चले जाती है तो फिर वो अब ये क्या करते कुछ बॉयज होते जो डेरिंग बॉयज होते हैं नहीं। वो कहते के ना खुद ही लेके आ जाऊँगा कभी -कभी <laughs> है <laughs> मतलब वो बैल बजाएंगे नहीं यार दो बार बजाई अब वो तीसरी बार सुनाएगा तो हम अब कभी कभी ये भी होता था उस घर में कुत्ता है अब वो पीछे भौक रहे है और ये वो बॉयज के पीछे लग गया बड़ा एक इशू बिल्कुल और... में भी थोड़ी बताना आपने की में मैं रह चुका हूं की और ऊपर कुछ जगहों पे जाहिर इसकी जरूरत नहीं पड़ती कुछ जगहों पे बाढ़ वायर लगी है या जैसे थोड़े पुराने इलाकों में जाएं तो सीमेंट पे टूटी हुई बोतलें आपको हाँ। देखेगा टीम लिखा हुआ है उसपे और बेची और ये वो पुराने टीम में कितनी पुरानी बहुत अलग हाँ इन याद है आपको ठीक है एक ये फिर जो थोड़े नए घर हैं उनमें क्या है कि अगर दीवार नहीं टापी जा सकती तो एनआईसी निकल आएगा कोई सख्त कार्ड निकल आएगा कि वो जो लॉकिंग मैकेनिज्म है उसको यू यू करें और, खोल ले खोल के अंदर से ये मैंने नहीं देखा ये तो, ये तो

बिल्कुल हमने <laughs> छोटे थे मैं मेरा भाई और uh, मेरे कजन ना हम लोग छत पे क्रिकेट खेल रहे थे तो हमारी हमारी जो बिल्डिंग थी ना अपार्टमेंट्स थे अपार्टमेंट जो हम फिफ्थ फ्लोर पे थे और साथ एक बिल्डिंग थी वो तीन फ्लोर की थी तो जो बॉल थी ना वो उस बिल्डिंग पे गिर गई uh, कि अब वहाँ से लेके कौन आए अब ना नीचे उतर के जाना वापस उधर फिर पूछना उनसे कि ऊपर का वो खोल दें और फिर वापस छत पर जाना बॉल लेकर आना तो मेरे भाई ने बोला कि वो छोटा था था उसने बोला आप एक काम करें ये जो ये जो कपड़े धोते वाली जो रस्सी है ना ये उतारे तो और ये मुझे बांध दे नहीं। नहीं। तो मुझे याद है नीचे उतारे भाई ये मुझे आपने दिया मेरा मैं काश मैं देती लेकिन

हाँ, हाँ, बॉल के लिए गया था बॉल के क्या है हाँ। मिशन पूरा टाइम छोड़ इसमें ये है कि बॉल रिट्रीव करने में अक्सर हमारे लड़के इंजर हुए होंगे हाँ? हाँ? हाथ पैर टूटे हैं बिल्कुल बिल्कुल बॉल की इतनी कीमत सिर्फ दी जितना मेडिकल खर्चा आ गया हाँ मुझे तो वो कॉक की बॉल पेट पे पड़ी थी बॉल बहुत, बहुत बुरी जगह थी अच्छा हार्ड बॉल से पहले इतना नहीं खेला मैं बीच में गया था उधर थी, CPC. CCP, यास, CCP. यास, यास, यास। पे एक कजन के साथ था, मैं किया था मैंने अच्छा, अच्छा। और दो तीन महीने फिर मुझे समझ नहीं आई भाई ये बोल की बहुत नहीं। वो वो... है, आ... तो बहुत खुआरी है ना वो जो तो आएंगे फिर सिकंदर बख्त साहब होते थे वो आएंगे फिर अच्छा, अच्छा। वो नेट्स के रहेंगे फिर चूज के बहुत एक चार पांच घंटे की खुआरी थी जो मुझे

फिर इसमें एक बार कुछ मीन था या क्या थी वो नहीं टूटा हुआ टाइप वीडियोस एक टाइम था कि जब दोस्त होते थे लेकिन बॉल खरीदने के पैसे नहीं थे अब है कि बॉल खरीदने के पैसे हैं दोस्त नहीं है दोड़े दोड़े। दोड़े। जाही। जाही। और ये है ट्रू है मैं मतलब अब, 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 अब चाहू कि रोजाना क्रिकेट मुझे दिल जाए खेलने का चाहता ही है

उस प्लॉट में ऑफ आ आ तो लेट ये चीज़ काफी टेक ऑफ किया फुटबॉल के साथ भी इवन क्रिकेट के साथ के साथल बॉयज ने प्लॉट रेंट पे लिए वहाँ पे वो जगह देते हैं घंटे लिए हाँ। तीन हजार ढाई हजार और वहाँ पे क्रिकेट चलता है फुटबॉल भी चलता है क्या वे मुझे एक, आ, आ, इनका नाम है शेजरे इनका मैसेज आए उन्होंने बोला कि मैंने क्या कोई ऐसी फनी मेमोरी एसोसिएटेड विद क्रिकेट तो उन्होंने बोला वंस वाई वॉचिंग अ मैच लाइफ आई वुड होल्ड माई हैंड्स अप लाइक दिस प्रिंग एवरी टाइम राउूफ फुटबॉल सो दैट आई कम ऑन द स्क्रीन एंड रऊफ वुड सी मी प्रेइंग फॉर हिम एंड देट वुड बी हाउ आई मेट योर मदर लव स्टोरी वी टेल आर किड्स खैर दैट हैपन सो आई गॉट मैरिड टू ये भी ठीक है आई डोंट थिंक लाइक्स

वहाँ तक पहुँच तो आ, कौन सा शेन शेन वॉर्न शेन वॉर्न जिसकी कोई वीडियो निकली थी हाँ वो काफी गंदे काम करते थे तो, उनका आई थिंक कौन से गंदे काम यार वो अपेरेंटली थाईलैंड वगैरह जाके बहुत सारे खातन को भर्ती करो ये नशे मशे करते थे तो ग्रुप एक्टिविटी पलक पलो खेल और उनका <laughs> भी शायद इसी अच्छा, इसी के अराउंड हुआ था। ओके। क्विज़ मैं मैं आप लोग से। ठीक है। ताकि लेट्स सी कितने पानी के, नहीं। हाँ। ठीक ठीक है। है। हाँ। मैं ही सी बात है। नहीं सवाल अच्छा पहले मैं देखती थी थोड़ा बहुत शुरू वाले नेम एनी थ्री राइट हैंड फास्ट बोलर्स ये खिजरा के लिए अच्छा राइट है मैं शोएब अख्तर बोलने लगती थी मुझे याद आया कि वो तो लेफ्टी है नहीं शोएब अख्तर राइट राइट ही है तो शोएब अख्तर हां शोएब अख्तर एक और अभी अभी एक बॉय है वो भी बहुत तेज बॉल कराता है पता नहीं क्या नाम है उसका यार <laughs> चीटिंग चल पेपर राउंड हो रहा है आप के सामने अच्छा क्लियरली खिजरा यू एंड मतलब सबसे

को इंस्ट्रूमेंट हां अजय अली <laughs> सर आपके लिए सवाल है नेम एनी थ्री लेफ्ट हैंडर्ड फास्ट बॉलर्स जिसमें आप फजराज इलिज सिवाक याम तो थे ना अब ये यूज हो गए ना आपने दे दिया खिजरा को वो तो एनी uh, बॉलर था ना अच्छा ठीक है <laughs> वकार नहीं नो वाज इट राइट ओके आई जस्ट नेम रैंडम बॉलर्स एंड अप हिजदसीव शाह लेफ्ट हैंडर

मोहम्मद आमिर अमीर एनीवे ख़ैर हो गये चल आगे बढ़ते किसी रात कोई ऐसे तीन बैट्समैन बताएं वो आर जिनके बारे में मशहूर था कि बहुत मारते हैं कोई भी हो सकते हैं शायद अफरीदी ठीक है बाबर आजम चल ठीक है ठीक है बताओ ना नहीं बा

मुश्ताक ठीक है मुश्ताक अहमद ठीक है एंड देना uh, शादा ठीक है अच्छा खिजरा हम वर्ल्ड कप किस साल में जीते थे 1992 oh, ना oh. <laughs> yeah. वादा 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 आ, World Cup oh, no. <laughs> uh, I'm really bad with dates, so I, I know we have won it for sure. Uh, Sir, Faraz was the captain, no? no Ms. Champions Trophy. Okay, Missbah. No.

You can pick one person hmm. who can save your life but they cricket. It's not going to be you guys. No, no, not you. Yeah, uh, yeah. Please do not. <laughs> but if you want to I will tell you. No, no. No, If you to you. Yeah. But if you had to, if you could have lunch hmm. with one Pakistani cricket cricketer of any all time,

Uh, जिसमें मैंने शोएब, अख्तर वसीम अक्रम uh, सईद अजबल और uh, एक कोई साहब थे मुझे याद नहीं आ रहा उनको इंटरव्यू किया था एंड उसमें सईद अजबल बेड मी लाफ कंटिन्यूसली hmm. वो मैं सीरियस नहीं हो पा रहा मैं स्क्रिप्ट नहीं पूछ पा रहा था वो कॉमेडी इतनी कर रहे थे और बहुत फनी थे सो आई थिंक बिकॉज आई डोंट हैव फैसिनेशन ऑफ क्रिकेट

कि अब वो ऐसे क्यों कर रहे हैं लाइक ऑन सो मच भाई वो yeah. oh, uh, को भी उनको अच्छा बुरी अच्छा लगती अच्छा। है वो उनको नसीबोलाल का गाना भी बुरा लगा था जो उन्होंने गाया था तो ये उनको हर चीज बुरी लगना शुरू हो गई है लेजेंड yeah, so So, yeah, मैं बोलूँगा मैंने वसीम अक्रम साहब के साथ बहुत काम किया है दो तीन प्रोजेक्ट किए हैं और मुझे ही क्लास एक्ट ये शूट पे टाइम पे आना प्रोफेशनली काम करना कभी चीजी पा नहीं बहुत सारे क्रिकेटर्स के साथ मैंने काम किया एन ऑफ हैेरी बैड एक्सपीरियंसिस बट वसीम भाई के साथ जब भी काम किया है मुझे बहुत और कभी उन्होंने किसी की बेचे वो तो है ना कि वो यार उसको क्या समझो कभी नहीं इज़ ऑलवेज गिव्स रिस्पेक्ट टू अदर क्रिकेटर्स आई थिंक इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ हाउ सम प्रोविडेंट स्पीक दैट वेल इंग्लिश और इन इन द कोर्स ऑफ बट वो पॉलिश हुए और उन्होंने बहुत आई थिंक वेरी इज नाओ एंड एवरी वे इट्स वेरी नाइस टू सी सम uh, from Pakistan who's done so much good in commentary and uh, after cricket उन्होंने you know, yeah, काफी yeah. अच्छा अपना सीन किया really well. hmm. and अभी अभी recently उधर जो जो अभी Pakistan women's cricket team में भी अभी काम चल रहा है वो भी हमें comment करना चाहिए कि अभी जो Pakistan में match चल रहे हैं काफी काफी गुड एंड वी शुड सपोर्ट आवर टीम गुड टीम आई हुई है हाँ, और अच्छा खेल रहे हैं और सब... हमने काफी उनको हराया है ना काफी तो 20s में हमने हरा दिया था बट हाँ वो इन द लास्ट फ्यूर्स स्पेशली विदल टूअर्स इंटरनेशनल टीम्स आई थिंक वेस्ट इंडीज की इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया की मे बी आई एम नॉट श्योर बट हाँ दिस गोर तो लेकिन आप जो करंटली चल रहा है इस पे क्या ही बात करू आप लोग से आप तो नहीं फॉलो कर रहे बिल्कुल भी नहीं बट लेकिन मैं पता है कि इंडिया पाकिस्तान हुआ था बारिश हो गई उसके बीच में फिर फिर वो रुक गया फिर फिर रिकॉर्डिंग ये पीछे है बारिश अच्छा इस पे बताया आप लोग को थोड़ा मैं बताता हूँ अनबायस्ड ओपिनियन दे पाए हुआ ये बेसिकली कि ये जो एशिया कप है जिसे समझ लें जिस जिस साल में वर्ल्ड कप होता है ना उसी टाइप का एशिया कप भी होता है दो तो लास्ट ईयर टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप था तो एशिया कप का टी ट्वेंटी वर्जन हुआ था अभी वनडे वर्ल्ड कप है तो वनडे एशिया कप चल रहा है ठीक है तो एक सॉर्ट sort ऑफ of एक अच्छा प्रैक्टिस भी कहने, एक थोड़ा हमारी टीम एक फाइनल फॉर्म में अच्छी आ गई ये एशिया कप होना था पाकिस्तान में पूरा हाँ हाँ ये तो है? पता है अब इस पे जो जेसा है और जो बीसीसीआई है उन्होंने ये एंड बचा दी कि जी हमें नहीं आ सकता ठीक है अब एक हाइब्रिड मॉडल डेवलप किया गया कि चार मैच पाकिस्तान में होंगे एक मुल्तान में तीन और में नौ मैच श्रीलंका में होंगे अब इन्होंने कहा था कि भाई श्रीलंका में ना करें क्योंकि मानसून सीजन है वहाँ बारिश होगी यू ए में कर लें अगर करना ही आए हाँ। तो इतना तो दूर तो तो है उन्होंने कहा नहीं वहाँ गर्मी बहुत होगी ठीक है <laughs> फिर जो है हमारा जब पहला इंडिया पाकिस्तान मैच वॉश आउट हुआ तो डिस्कशन हुआ कि भाई चलें आप कोलम्बो में ना करें

जनरली पूरी दुनिया में बहुत सारी चीज़ों की तरह स्पोर्ट्स इज़ वन थिंग विच ब्रिंग्स पीपल टूगेदर नेक्स्ट पीपल ट्रांस यू नो रिलीजन रेस एथनिसिटी वट और इस चीज़ को पोलिटिसाइज़ करके इतना एक वो नो तकलीफ दे बना दिया अब हमारे जो प्लेयर्स थे यू नो ऑफ टू देम वो मैच खेलें मैच के फ़ौरन बाद वो फ्लाइट पकड़ के श्रीलंका जाए वहाँ एक दिन रेस्ट करें वहाँ मैच खेलें फिर वापस पाकिस्तान आए फिर मैच खेला फिर गए श्रीलंका तो ये सब कुछ अवॉइड किया जा सकता था और ये खुआ hmm. हो रहे हैं अफगानिस्तान भी ख्वार हो रहा है बांग्लादेश भी श्रीलंका भी इंडिया इज द ओनली टीम जिन्होंने श्रीलंका में वो आए एंड लॉट ऑफ वो जस्ट पुट्स पीपल ऑफ द स्पोर्ट आई थिंक इतनी एक्सपेक्टेशन अभी मैं न्यूज पढ़ रहा था कि जो uh, जो सेकंड इंडिया पाकिस्तान मैच उसमें यूल सी अ लॉर्ड ऑफ एम पी सीट्स वो इसलिए क्योंकि पीपल जिस दिन हो और बिते हमारे कुछ दोस्त हैं जो पाकिस्तान से गए थे श्रीलंका टू वॉच द मैच एंड कंडीशन जो देखी और जो ये वो वो अब कितना रुकें कितना प्रोलॉन्ग करें ऑब्वियसली उनको वापस आना है इंटरनेशनल ट्रेवल सो पीपल लॉर्ड पीपल वो बहुत टिकट्स एंड स्टाफ बट डिसहार्टेड बाई द वैदर एंड पुअर मैनेजमेंट बेसिकली

सबके लिए इक्वल होना चाहिए ना इफ अदर टीम्स लेकिन वो ये ये भी तो उधर भी तो कर रहे हैं ना फिर जस्ट बिकॉज़ ऑफ वन टीम mm. ये भी है एवरीबॉडी इज़ कब बट या आई मीन नाउ द वर्ल्ड कप्स कमिंग आई होप थिंग्स आर नॉट एज मिसमैनेज्ड इन द वर्ल्ड ओ लीस्ट विद द टिकट सेल्स देयर

Uh, मैंने दुनिया भर में, हम, हम uh, में थे uh, uh, पाकिस्तान न्यूजीलैंड थे? थे, uh, हाँ. और हम देख रहे थे एक बंदे के साथ जो की न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड का नहीं ऑस्ट्रेलिया का था एक तरफ ऑस्ट्रेलिया हाँ. थे एक तरफ न्यूजीलैंड वाले भी बैठे हुए थे हाँ.

और उसमें था सॉरी uh, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का फाइनल था जिन लोग आप लोग ने शायद ना देखा वो बहुत इंटेंस फाइनल था hmm. वो लास्ट बॉल तक गया था वो फाइनल और उस टाइम पे हम खटमंडू में नहीं थे पोकाड़ा में थे hmm. कुत्ती बारिश हो रही थी इतनी बारिश थी कि सड़क पे कोई था नहीं लेकिन सब लोग ने रेफ्यूज लिया हुआ था हर बार रेस्टोरेंट जो भी था और सब मिल वो फाइनल Thank. देख रहे थे और ऐसे कि अपना ही मैच है इतनी उसमें वो थीज अ वेरी नाइस मेमोरी एनी कमिंग बैक टू सम Uh, audience, uh, yes. input. कहते हैं मैं भाग बैटिंग करके hmm. ये भी एक कमीना पन है जो काफी <laughs> लोग करते हैं गली क्रिकेट स्पेशली ये ये होता है 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 ना वो वो लड़का ये बहुत करता लगता अगर आप खेलती हो तो आप ये बैटिंग करके भाग जाती है आपका दिन मेरा मिल गया ना खेल ले अच्छा मुर्तजा कहते हैं जिन आंटी के घर में बोल जाती थी वो एक जिन थी है जिन नहीं। नहीं। असल में डिमोनाइज हम करते थे क्योंकि वो आंटी बहुत खराब थी और वो डांटती थी तो हम कहते हैं ये जिद

तो आ, उनके घर में बॉले आती थी वो बगा देती थी बच्चों को मैं नहीं दूंगी और वो फिर फाइनली जैसे मंथ एंड पे जमा करती थी और मुझे दे गुड नानी, नानी एक और अबू बकर कहते हैं जी एक दफा हमारी बॉल गर्ल्स विंग में चले गई मैंने जैसे ही दीवार टापी तो आगे सेक्शन एट खड़ा था वो खड़ी थी खड़ा था क्या खड़ा था तो गर्ल्स विंग अच्छा होगा कोई ऑल बॉयज ऑल गर्ल्स का सेपरेशन अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा बैंक में मींस के एक ही हाँ। स्कूल में अलग था हां जैसे सेंट पैट्स टाइप हो सकता है हो सकता है हो सकता है ठीक है ये इसकी की किस्मत ही थी अच्छा एक बड़ा क्रिप्टिक सा मैसेज है और मुझे लग रहा है खातून का है हां कहती हैं ही बोथ हैड द बैट एंड द बॉल्स बट कुडंट स्कोर ओ भारी जुमला लग रहा है ये कोई इनका कोई बेडरूम मसला है ये ये प्राइवेट लाइफ सो नहीं शेयर करें ना ऐसे यार ये क्रिकेट कम पालन पोलो लोग हैं भाई इनको बोले कि आप टीम चेंज करें हाँ, इनको ये रिप्लाई हाँ, नहीं हम तो टीम चेंज करें हाँ, आप चल लंग आ जाए हाँ, आप बारिश हो रही है बारिश नहीं हो रही

अच्छा जी <laughs> फिर कहते हैं फारुकी कहते हैं कॉल्ड इन तो टू वेक अहमद भी एक बड़ा अहमद शहजाद ही ना एक उनको मेन कैरेक्टर सिंड्रोम से वो सफर करते हैं तो उनके दबाव में वो विराट कोहली भी हैं उनके दबाव में वो ब्रैड पिट भी हैं सब हैं लेकिन एक्चुअल मैंने तो उनको पता नहीं कुछ हुआ था वो फील्डिंग करते गिर गिरा गए थे वो उन्होंने स्ट्रेचर बुलवाया है देन ही वाज कैरीड आउट ऑन अ स्ट्रेचर और फिर दो तीन ओवर बाद वो आ गए वापस attn से मिल गए उनका ठीक हो गया अच्छा जी अच्छा एक लंबी स्टोरी सुनाई आई हैड अ फ्रेंड नेम्ड अली हमजा जो बात बात पे नाराज होकर घर चला जाता था ये तो हम कवर कर चुके हैं

ट का आई रिमेम्बर मेरी ही गली में हम खेल रहे थे तो मेरा एक दोस्त था वो टॉल एंड लीन मेरी एथलेटिक जो ना एक गटर था खुला हुआ बड़ा सा वो मुझे कहता है यार मैंने इसके ऊपर जम्प मार के जाऊंगा ठीक है तुम कर लोगे तो वो गटर के पीछे यूं यूं हुआ रनअप लेने के लिए जितने हाँ। पीछे होते एक और गटर था उसमें गिर गया <laughs> <ओ। laughs> <ओ। ओ। laughs> तो बॉल जो गटर में चल जाए ये भी होता था कि ये तो गई अब तो बॉल जब गटर में जाती है उसका भी एक है हाँ। क्या ना या टेक्निक कह लें कि वो मारी जाएगी जब तक जमीन पे घास में कोशिश होगी उसको थोड़ा यूं करें थोड़ा बैठ पे ताकि चीटें निकलें <laughs> Ye <hai>. Yeah. <laughs> yeah. it, ball inside gutter or ball. Oh, hot and hot. balls, hai, I think. We should have used wet balls. But we should always wish the best to our boys nah. who are playing. And all the matches, hai, I, I hope, hope. Jesse the conditions are, they do great and uh, make us proud, uh, no matter what, you know. Definitely, I think. <laughs> Achy, a good thing. Haan. चले ओके गाइस बाय बाय बाय